चुनाव सिर पर है, ऐसे में नेताओं के आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा नेता आजम खान ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधा, साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान को लेकर भी जमकर निशाना साधा। वैसे तो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान सेना पर हुए हमले को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ते, लेकिन जब से पाक पीएम इमरान खान ने पीएम मोदी की तारीफ की है, मानो जैसे आजम खान को पीएम मोदी पर प्रहार करने का हथियार मिल गया हो। इस बीच रामपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा, साथ ही उन पर कई आरोप भी लगाए। होगा कल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का बयान, उसे इंतजार है इस बात का कि नरेंद्र मोदी दोबारा वज़ीर-ए-आज़म कब बनेंगे, और जब वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा। वो तुम्हारा दोस्त कल भी था, वो तुम्हारा दोस्त आज भी है, कल भी तुम साजिश में उसके साथ शरीक थे, आज भी। तो सुना आपने, आजम खान ने यहाँ पर सीधे सीधे पीएम मोदी पर साजिश रचने और पाकिस्तान के दोस्त होने का आरोप लगाया है। वहीं इस दौरान उन्होंने सीएम योगी पर भी कई सवाल खड़े किए। मोदी जी, योगी जी, बहुत बर्बाद कर चुके आप मुल्क का बंटवारा हिंदुस्तानियों के दिलों के बीच का बहुत बंटवारा कर चुके, बहुत बांट चुके हिंदू और मुसलमान में, आप बहुत लड़वा चुके। आजम खान ने यहाँ सीएम योगी और पीएम मोदी पर देश को बर्बाद करने, हिंदू मुस्लिम के बीच गहरी खाई खड़ी करने और लड़ाई करवाने तक की बात कही। लेकिन अब आजम के बयान पर बीजेपी क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है, यह देखना दिलचस्प होगा। डीवी लाइव के लिए रामपुर से बाबर खान की रिपोर्ट।